सोनू निगम के अजान को लेकर चल रहे विवाद के बाद से वो खबरों में बने हुए हैं, और तो और उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ है जिसके चलते वो गंजे भी हो गए हैं। एक तरफ कई लोग उनकी इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं तो कई उनके खिलाफ हैं। इसी विवाद के बीच प्रियंका चोपड़ा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रियंका अजान को लेकर बात कर रही हैं। प्रियंका का कहना था कि उनको अजान की आवाज एक मधुर संगीत की तरह लगती है जिसे सुनकर उनको बहुत शांति मिलती है। भोपाल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखी है और जिसका मैं इंतजार करती हूँ एक्चुअली, अजान का वक्त शाम को मैं अपने टेरेस पे बैठती हूँ, पैकअप हो जाता है आई थिंक 8 बजे के करीब, जब अजान सुनाई देती है ना, वो पूरे भोपाल के आई थिंक हर मस्जिद में अजान आती है, तो मेरे टेरेस पे एटलीस्ट 6 मस्जिदों से मुझे सुनाई देती है, तो वो 5 मिनट जो होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सनसेट हो रहा होता है एंड माइक्रोफोन पे अजान की आवाज़ आ रही होती है, एक तरह का बड़ा स्ट्रेंज सा पीसफुल माहौल होता है। दैट्स माई फेवरेट टाइम ऑफ द डे। इस बात को ज्यादा बढ़ते देखते हुए सोनू निगम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें सोनू ने कहा, मेरे गुरु मेरे आसपास के लोग मुसलमान हैं, रफी जी मेरे पिता समान हैं, मैं धर्म निरपेक्ष हूँ, मेरे लिए सारे धर्म एक समान हैं, धर्म के नाम पर शोर मचाना गुंडागर्दी है, मुझे ये मुद्दा सही लगा इसीलिए मैंने बयान दिया, मेरी बात को गलत समझा, धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है, मैं किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं हूँ। आपको बता दें कि मस्जिदों में होने वाली अजान पर सोनू निगम ने ट्वीट करके अपने ऊपर बवाल मोल ले लिया है और इसके बाद से वो काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ फतवा भी जारी हो गया है। NMF News की रिपोर्ट।